पॉपुलर, डूइंग ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। ये व्लॉग वैसे थोड़ी सी स्लो चल रही होगी आई एम श्योर, बिकॉज आपका लास्ट व्लॉग में आपको ये दिख रहा होगा कि हम घर पहुंच रहे हैं फ्रॉम आवर ट्रिप, तो काफी अच्छा ही गया। हाँ ये था कि बारिश ने हमें थोड़ा सा धोखा दे दिया तो हम अच्छे से घूम नहीं पाए, थोड़ी सी बीच में तबियत भी खराब हो गई थी, बट कोई बात नहीं। हम लोग शायद दोपहर में 12-1 बजे तक वापस घर पहुंच चुके थे एंड उसके बाद बस रेस्ट किया, बिकॉज आज से हम लोग का रूटीन थोड़ा सा टाइट चल रहा है। अभिनीत इज ऑल्सो एट होम, उसका वर्क फ्रॉम होम है, आज वो घर से ही काम कर रहा है, बिकॉज दिस वीक पर्टिकुलरली इज वेरी हेक्टिक फॉर हिम ऑल्सो। आई थिंक अपकमिंग वीक में हम शायद कहीं नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, एज फॉर नाउ तो यही प्लान है कि नहीं ये वीक हम थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और हम कहीं जाएंगे भी नहीं, बिकॉज वर्क प्रेशर भी रहेगा। आज मुझे भी काफी काम है बिकॉज आई हैव टू क्लीन द एंटायर हाउस टुडे, वो दिन घर पे नहीं दे तो ऑब्वियसली धूल वूल जो है जो अच्छी सी भर जाती है। ऑल्सो आज मंडे है एंड आज हमारा फर्स्ट कैबिन क्रू सेशन है एंड वो 11 बजे है एंड मुझे उसके लिए भी थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, आई एम थिंकिंग कि जल्दी से अपना एक्सरसाइज खत्म करते हैं। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट डे कि मैं काफी दिनों बाद अपना वर्कआउट सेशन वापस से शुरू कर रही हूँ। इट इज ऑल्सो बिकॉज यार वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज आलसी हो गई हूँ मैं, एट द वेरी सेम टाइम सुबह वॉक पे भी नहीं जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कंटिन्यू दिस रूटीन फ्रॉम टुडे, बिकॉज हेल्दी रहना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाँ फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा यार साथ ही साथ। सो यस, अभी पहले अपना जल्दी से वर्कआउट सेशन खत्म करते हैं एंड उसके बाद लेट्स गेट रेडी फॉर द सेशन। आई एम वेरी स्केर्ड एट द वेरी सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, बिकॉज सब चीज बहुत अच्छे से प्लान है। लेट्स सी हाउ द सेशन गोज। इसका चल रहा है ऑफिस एंड ही इज प्रिटी बिजी एंड इस समय आप इनसे कोई भी बात करो या इनके पास भी जाओ तो मुझे इनसे डर लगता है जब भी काम कर रहा होता है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट लीव हिम हियर एंड दिस इज द स्टूडियो रूम एंड यहीं पे वी यूजुअली डू आवर सेशंस। तो हाँ हम ये अपने बालकनी से शिफ्ट करके इधर ले आए हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि बालकनी में जो है वो काफ़ी धूल खा रहा था। बट उससे पहले वी हैव टू फिनिश अदर वर्क, कपड़े सुखाए थे कल शाम को यहाँ पे तो इनको पहले समेटते हैं, साथ ही साथ नए सेट ऑफ कपड़े धुल चुके हैं उनको सुखाते हैं। तो यूजुअली व्हाट आई डू इज जो भी हमारे चादर होते हैं ना जो हमारे बेड्स पे लगे रहते हैं उनको मैं यूजुअली हर संडे पहले धोया करती थी, बट लास्ट टू वीक से क्योंकि हम संडे बाहर चले जा रहे हैं तो व्हाट आई डू इज मंडे या ट्यूजडे मैं धो देती हूँ। तो कल शाम को एक चादर का राउंड धुल चुका है एक रूम का, अब दूसरे रूम का धोया जाएगा। संडे टू संडे हम ये प्रैक्टिस रखते हैं कि हाँ चेंज करते रहो। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन टाइप का फील हो रहा है बिकॉज आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर लाइक 10-15 डेज, उसी में मैंने इसको पूरा एग्जीक्यूट किया है। मुझसे ज्यादा तो खैर मोटे का ही यू नो एफर्ट्स है बिकॉज पीपीटी बनाना, बाकी सब चीज रेडी करना, फॉर्म्स रेडी निकालना, बाकी सब चीज जो प्रोसेस है वो उसने किया है। अब आई एम गोना गेट रेडी बिकॉज अभी बज रहा है कुछ 10:30, 10:50 को मैंने बोला है सबको कि आप लोग गूगल मीट ज्वाइन कर लेना। Meanwhile, I also want to ensure कि this session should also look very professional. I can't go, I mean, sit like this in the Google Meet. So let me just get ready a little. बिकॉज थोड़ी सी मचमची मची, आई नो आई कैन स्पीक अबाउट कैबिन क्रू जितने बार भी मुझसे बुला लो बिकॉज आई हैव गेन्ड उतना नॉलेज, बट अभी तक जो है मैंने यूट्यूब में सेशन किए थे जिसमें मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे सामने देखने वाला कोई नहीं है। जब तक वो आपके पास आएगा तब तक वो बहुत एडिट होके आता है, बट यहाँ पे दिस इज अ वन शॉट थिंग, तो सबको इंडिविजुअली अटेंशन देना, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम वन ऑन वन एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द यूट्यूब चैनल एक्चुअली शोज। तो हाँ रेडी होती हूँ, भगवान जी से थोड़ा आशीर्वाद लेती हूँ एंड आई होप दिस इज अ सक्सेसफुल वन, बिकॉज भले ही इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी मिली, बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आया कि अरे सिर्फ पैसे के लिए कर रही है ये है वो है, बट मैंने भी एज एन इंडिविजुअल मैंने बहुत बार बोला है do not join any institution or consultancy, you can do it on your own, but there are still a lot of people जिनको चाहिए होता है थोड़ा सा अलग से अटेंशन एंड आई हैव द एक्सपीरियंस एंड इनफैक्ट मैंने भी पे करके ही सीखा है। आई मीन आई हैव नॉट जॉइन एनी इंस्टीट्यूशन टू गेट माई सेल्फ इक्विप्ड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, बट आप जब भी कोई एविएशन ज्वाइन करने जाते हो तो वो एविएशन वाले भी आपसे पैसा लेते हैं, एज इन इंडिया में तो लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया क्या करते हैं दे डोंट टेक द मनी बट दे स्टार्ट डिडक्टिंग सम अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी टू इंश्योर कि वो जो एक अमाउंट है जो उन्होंने अपने ट्रेनिंग फीस के लिए रखा है वो वहां से काटते हैं। सो दिस इज हाउ द एविएशन इंडस्ट्री वर्क्स एंड आई हैव 3 different airlines का इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट यू नीड टू लर्न is how to crack the interview. Once you do that, everything is going to be fine for you. So, okay, I'm not going to tell everything right now. Let me quickly get ready and then sit for the class. Doubts the wo clear away. Nice. Ma'am, it was really helpful. Thank you. Thank you so much. It was really, really helpful, especially coming from you, whom I follow literally from ages, and it was very good. Thanks, yeah. Thank you so much. So, with this,
प्रार्थना, डू यू हैव समथिंग टू से? आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग. यस, थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके फर्स्ट सेशन से मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी इंग्लिश सीखने पे फोकस करूंगी. यस यस यस, यहाँ सेशन हो गया खत्म. वैसे तो काफी अच्छा सेशन गया, बीच में हाँ थोड़ी सी मुझसे दिक्कत हो गई थी लैपटॉप से, वो पीपीटी जब शेयर कर रही थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट हाँ एवरीवन वाज वेरी पेशेंट एंड वो 5-7 मिनट का गैप था. बट ये सेशन चला है काफी लंबा, मतलब 2 घंटा चल गया ये पूरा अच्छा से सेशन. हमने मॉक इंटरव्यू और टेस्ट वेस्ट भी किए, तो हाँ बहुत कुछ था जो रैंडम होता गया बीच में एंड समझ में आ रहा था कि हाँ लोग वेर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन इट. अच्छा गया. एनीवेज, टाइम टू entirely clean the house now. I have done a little skincare currently. आप सबको दिख नहीं रहा होगा, but what I've done is वो vitamin E का tablet आता है ना, वो along with some aloe vera gel को mix करके मैंने अपने face पे लगा के रखा है, तो उसको थोड़ी देर सूखने देंगे, उसके बाद we're gonna wash this also. Lunch time आटा लगा हुआ है वैसे कल रात का, और कल रात में ही मैंने बनाई थी ये पनीर की सब्जी. तवा गर्म हो गया है, इसी आटे का रोटी बन जाएगा, तो ये आटा भी यूज हो जाएगा. यार मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मैं घर पे थी ना तब मैं हमेशा बोलती रहती थी वीडियोस में, ये है आज का खाना जो मम्मी ने कल बनाया था. और मम्मी कहती थी बेटा जब खुद का सब शुरू होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा. और अभी जब खुद से कर रहे हैं तब समझ में आता है कि हाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट यही हो जाता है कि खाना जो रात में बनता है तो या अगले दिन लंच में यूज़ होता है, या जो लंच में बनता है वो उसी रात डिनर में यूज़ हो जाता है. दैट ऑल्सो रिड्यूसेज द टाइम यू स्पेंड इन द किचन इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, एज इन लंच के लिए अलग बनाओ, ब्रेकफास्ट अलग बनाओ, डिनर अलग बनाओ, तो आप आधा टाइम किचन में ही रह जाओगे. तो हाँ वो भी है कि चल रहा है एंड वो थोड़ा और लंबा जाएगा, और मुझे ठंडा रोटी देना पसंद नहीं है तो मैं खुद ही खा ले रही हूँ. जब वो फ्री होगा कॉल से तो फिर उसके लिए फ्रेश बना दूंगी. सफाई अब शुरू करते हैं. वैसे मैं जो बार बार बोल रही हूँ ना साफ सफाई, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो बेसिकली अभी जो है हम ट्रिप पे जाने लग गए हैं, बट जाने से पहले मतलब जब हम नहीं जाया करते थे क्या करते थे, संडेज मेरा एक रूटीन होता था कि हर संडे के संडे पूरा घर क्लीन होगा, चादरें चेंज होगी, सारा राशन वाशन सब स्टॉक होगा, एक हफ्ते के हिसाब से ही मैं करती थी. वो सब जो है वो बहुत दिन से ना एकदम उबड़ खाबड़ हो जा रहा था, तो अब मैं मंडे को शिफ्ट हो गई हूँ सब काम करने के लिए. एंड अभी क्या है कि आई वॉन्ट टू ऑल्सो रिकॉर्ड, बट अभी नहीं, एकदम जगह चुन के बैठा है वो, हॉल में बैठा है, ठीक है, मतलब डाइनिंग स्पेस में. अब मैं कोई भी आवाज़ करूंगी ना तो ऑब्वियसली उसका कॉल पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड तब से मैं बोल रही हूँ यार मोटा अंदर चल जा, यार अंदर चल जा, अंदर चल जा, ऐसे ऐसे करके बस मुझे टाले जा रहा है. अभी भी उसका कोई कॉल चल रहा है, मैं अभी शुरू ही कर रही थी बट फिर उसका कॉल आ गया. उसने बोला है कि कॉल के बाद हम फ्री हैं, तो लेट्स होप फिर मुझे तंग नहीं होगा. यार सबसे पहले मुझे आज अपनी जो है फ्रिज साफ करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये ऐसा पड़ा है, मुझे सारा सेक्शन को उठा उठा के नया ढंग से पहुँच पहुँच के मुझे अपना फ्रिज को क्लीन करना है. यार एक और चीज़ बढ़िया जो है इस फ्रिज की, वैसे उतना कोई खास काम नहीं आता बट अगर आप नॉक करो ना तो आपको अंदर दिख जाता है कि इसमें क्या क्या पड़ा है. जैसे कि वहाँ पे नारियल है, पराठा है, उसके नीचे केक पड़ा है, यहाँ दूध का टोपिया है, पीछे दही है, ये सब ऐसे दिख जाता है. उसके अलावा इसमें आप अपना यू नो कैलेंडर डाल सकते हो, जैसे कि हमें जो जो काम है वो जो बचे हुए हैं वो उधर हैं, नीचे जो हो चुके हैं वो हैं, और यहाँ पे आप जो भी देखना चाहते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब वो सब देख सकते हो. घर में जितने भी सामान है जो कि सैमसंग के हैं, जैसे कि हमारे एसी सैमसंग का है, वॉशिंग मशीन भी सैमसंग का है, और ये रहा रेफ्रिजरेटर, तो इस जैसे कि एसी में कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको इधर दिख जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. टेम्परेचर दिख जाएगा, गैलरी मतलब कुछ कुछ फोटोज इसमें जा सकते हैं, वाइट बोर्ड है जैसे कि मुझे सामान खरीदना है, कुकुम्बर लेना है, वॉलिनी लेना है, तो वो मैं इसमें लिख. पकड़ के रखी हूँ ताकि वो अगर पानी छोड़ेगा तो मैं फट करके उसको कम कर दूंगी. मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं पानी ज्यादा कर देती हूँ और वो पूरा मेरा किचन बिखरा देता है. मैं इस डिस्टेंस में खड़ी हूँ और इस पोजीशन में, मतलब खाना ठीक है बट वो कुकर में पानी कितना होना चाहिए ना.
वो अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। हर बार सोचता हूँ कम नहीं पड़ जाए, पर ज्यादा पड़ जाएगा तो फिर ऐसे छींचा लेदर करेगा, फिर ऐसा लगता है चलो सह लेंगे। ऐसे कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में यूजुअली चिमटा, बेलन या कुछ एक ऐसा चीज पड़ा रहता है जिसको साथ में ऐसे खड़ी रहती हूँ कि अब बजा अब जाएंगे। हाँ, मैंने पूरा डिनर का तैयारी कर लिया है। आज डिनर में हम सोचे थे बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ मैं, तो बनाया मैंने चावल, इसमें पक रही है दाल और ये हल्की सी आलू की सब्जी। बट इनको जो है एकदम चैन नहीं है, है? मोटे कल ही आए हैं हम लोग ट्रिप से, है ना, ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा मोटा। तुम इतने बड़े आदमी हमको दिख रहे हो, अब यही बचा है घर से निकल जाए। सारा पूरा प्लान बना के हमको बताते हैं कि हाँ मोटा प्लान बन गया है, रात को अपने को चलना है। स्पॉन्टेनिटी में ही मजा है, वो बात हम समझ रहे हैं तुम्हारा, बट इतना जो हम खाना बना लिए उसका क्या? वो बात ये है कि तुमको भी उधर जाना है। देखो हम वो आदमी जिसको घूमने में कभी भी मजा आता है, तो तुम कभी भी ले जाओ जितना ज्यादा। जैसे मुझे कभी कभी सोलो घूमने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ यार, तो मुझे सोलो में बहुत मजा आता है क्योंकि वैसे ही रहा हूँ बचपन से। तो इसको लेकिन ये वो वाला मूवी नहीं है भूल भूल भुलैया, झुंड बना के चले, झुंड बना के चले, इसको ऐसा ही मजा आता है। पर मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग रहते हैं। So, आज भी हम लोग ग्रुप में ही जा रहे हैं, तो अपूर्व की वाइफ नेहा, अगस्त्या और एक और फ्रेंड है विकास, मतलब ये सब बाइकर ग्रुप से ही है। तो अचानक से इन्होंने मैसेज कर दिया ग्रुप में, किसी को रात में रिची रिच में आइसक्रीम खाना है, तो सबने यस यस आई एम इन कर दिया है। तो अभी सब बोल रहे हैं हाँ चलो आज शाम को चलते हैं, तो अभी तो यही प्लान है। बट इट इज ओनली 6:30, बट डिनर विनर रेडी हो गया, तो अगस्त्या को भी बुला लो ताकि हम लोग डिनर कर ले, बिकॉज अगर हम वहाँ जाएंगे तो बट ऑब्वियसली है कि हम तवा पुलाव और वो सब खाएंगे, तो उसके लिए भी पेट चाहिए। कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के बाहर जाओ, बाहर का खाना खाओ, मस्ती करो, ये करो, इन सब के चक्कर में दिखाया अभी तुमको, एक्साइटेड देखो कैसे हो रहे हैं। आई गेट इट कि यार घूमना फिरना अपना जगह है, बट यस कोई कुछ कुछ ऐसी मीटिंग्स होती है जो साथ में करने में मजा आता है, तो हम लोग दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फन। बट वही है कि थोड़ा सा जो मैं चाहती हूँ ना कि एक दिन हम लोग पूरा अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, वो घुमा फिरा के रात तक में कुछ ना कुछ स्पॉइल हो ही जाता है। 10:27 डिनर हम लोग का हो चुका है, अभी हम भी निकल रहे हैं रिची रिच और वहाँ पे और भी फ्रेंड्स मिलेंगे, तो हमारा रात का यही प्लान था कि हम रिची रिच जाएंगे। जो बैंगलोर से उन्हें पता होगा रिची रिच इज वेरी फेमस फॉर इट्स आइसक्रीम्स, सीजनल आइसक्रीम्स बनाते हैं, सीजन है मैंगो का, तो मैंगो लीची ऐसा टाइप का आइसक्रीम बना देंगे, उसमें भी लाइस मैंगो का पीसेस डाल देंगे, मतलब कुछ तो करते हैं वो, इट्स वेरी टेस्टी। जब मैं कॉलेज में था तब से मैं जाता हूँ वहाँ पे, एंड मैं फर्स्ट टाइम शायद 2 हफ्ते पहले गई थी, वो भी यही मुझे लेके गया था। हाँ, मुझे पता चला इसका मैंगो फ्लेवर ही नहीं पसंद है, मेरा तो ऐसा दिल बैठ गया उस समय कि क्या बताऊं। मतलब आई वुड स्टिल एंजॉय कुल्फी, बट वहाँ जाके रिची रिच में जाके सीजनल टाइम पे जाकर के बोलती है मुझे कुल्फी दे दो। शायद बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाए, बहुत लोग रिलेट कर पाए। ऐसा होता है कि जब आपका थोड़ा एज हो जाता है ना, तो आपका थोड़ा मैच्योर ग्रुप्स फॉर्म होने लगता है, कि जैसे कपल फ्रेंड्स बनने लगेंगे, फिर आपका वैसा टाइप का हो जाएगा। मेरा कॉलेज का दोस्त है प्रवीण और शांति, उन लोगों के साथ हम लोग हर दिन या तो 28 खेलेंगे, नहीं तो कुछ ताश का सीक्वेंस खेलेंगे, या तो फिर स्टॉक खेलेंगे, नहीं तो पोकर खेलेंगे, नहीं तो कुछ तो भी खेलेंगे, तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। अभी कल भी मेरे फ्रेंड्स आएंगे जो राइडिंग ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी यही प्लान है कि पोकर वोकर या तो कुछ खेलेंगे। बट एवरीवन इज लाइक, मतलब सब कपल्स आ रहे हैं। हाँ, सारे ज्यादातर कपल्स ही आ रहे हैं।